यस्यते चाम्यनुग्रह, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ। ये भगवान का वाक्य है, नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों में से कोई इससे सहमत हो तो हम मान लें कि वो भगवान की ओर जा रहा है। मन से, इधर से आपका बाप मर जाए, बेटा मर जाए, धन लुट जाए, चारों ओर बदनामी हो और आप भगवान की कृपा रियलाइज करें भीतर से, अगर ये किसी में हिम्मत हो तब हम मान लें कि वो भगवान का भक्त है, भगवान को मानता है। सब लोग अकेले में सोचना, हम लोग आनंद के अंश हैं। आनंद ही भगवान का दूसरा रूप है। इसलिए हम लोग आनंद ही चाहते हैं और क्योंकि हम लोग अनाज हैं, सनातन हैं, इसलिए सदा से आनंद ही चाहते आए हैं और क्योंकि हम लोग अर्थात कोई भी प्राणी एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक जीव सदा से उसी एक आनंद प्राप्ति के हेतु प्रत्येक क्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। किंतु आनंद के स्थान पर और दुख मिल रहा है, स्वतंत्रता के स्थान पर और बंधन मिल रहा है। अर्थात उल्टा परिणाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वही खड़े हैं और पीछे जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर चलने की तो बात ही नहीं है। अर्थात भगवान के सन्मुख होना है किंतु हम विमुख होते जा रहे हैं।